हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। जी हाँ दोस्तों, नवनियुक्त अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क टी एस्पियर ने मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत की और कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और भारत पाकिस्तान के सभी मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से निपटाने की आवश्यकता है। राजनाथ सिंह ने एस्पियर को अपनी नियुक्ति पर बधाई देने के लिए टेलीफोन किया था। इसके बाद बातचीत के दौरान उन्होंने यह बात कही। दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर को लेकर हुए नए हालात पर एस्पियर ने भारत की स्थिति की तारीफ की और कहा कि राज्य से जुड़े सभी मुद्दे भारत का आंतरिक मामला है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। आर्टिकल 370 हटाने के बाद मोदी सरकार का है बड़ा प्लान, बदल देगा कश्मीर की तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार का पूरा प्रयास है कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो। इसके लिए केंद्र लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन अब तेजी से कश्मीर घाटी में शांति की स्थापना को लेकर सरकार एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और उसके दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने के बाद से मोदी सरकार लगातार कश्मीर घाटी में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब मोदी सरकार यहाँ हालात सामान्य करने के लिए एक बड़े प्लान को लागू करने वाली है। दरअसल दोस्तों सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के IAS और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी कि KAS के अधिकारी अनुच्छेद 370 हटाने से होने वाले फायदों की जानकारी कम से कम 20-20 स्थानीय परिवार तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा धारा 370 के हटने में स्थितियों में क्या क्या सुधार आएगा इसका भी लेखा जोखा अधिकारी परिवारों को देंगे। इन फायदों के बारे में बताने के लिए सरकार TV, रेडियो और दूसरे प्रचार माध्यमों का सहारा भी लेगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। PM नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से की कॉल पर बात, तो अशुद्दीन ओवैसी को लग गई मिर्ची, जानिए क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 में बदलाव के बाद सोमवार 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस दौरान मोदी ट्रंप के बीच 30 मिनट द्विपक्षीय संबंध और कश्मीर पर चर्चा हुई। इन सब के बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेफाक उल मुस्लिम यानी कि AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को PM नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत पर सवाल उठाए। दोस्तों न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मामला है, भारत का कश्मीर मामले पर हमेशा ही साफ रुख रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद PM नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करने की क्या जरूरत थी और उन्होंने इसकी शिकायत क्यों की। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। गुलाम नबी आजाद को कश्मीर में नो एंट्री, जम्मू हवाई अड्डे से दिल्ली वापस भेज दिया गया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद को मंगलवार दोपहर में जम्मू कश्मीर हवाई अड्डे पर रोक लिया गया। आजाद जम्मू प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित होने वाली बैठक में भाग लेने गए थे। उन्होंने जम्मू हवाई अड्डे से ही वापस दिल्ली भेज दिया गया। इससे पहले गुलाम नबी आजाद और जम्मू कश्मीर के कांग्रेस प्रमुख गुलाम अहमद मीर को श्रीनगर हवाई अड्डे पर ही रोका गया था। वह जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार गुरुवार को श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रहम खान का दावा, कश्मीर पर मोदी की डील के आगे झुक गए पाक प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के ज्यादातर प्रावधान हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के भारत सरकार के फैसले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान दुनिया भर में इस मुद्दे को उछाल रहा है और भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि फिलहाल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे सफलता हासिल नहीं हो रही है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी
रहम खान ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जिससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल दोस्तों, रहम खान ने पाक प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि इमरान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक गोपनीय समझौता किया है। रहम ने दावा किया कि ये डील भारत के पीएम को खुश करने की कोशिश के तहत की गई है। इसी के चलते इमरान इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। चिदंबरम को खोज रही सीबीआई ने दिया अल्टीमेटम, घर पर नोटिस चिपकाया, 2 घंटे में पेश होने के दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, आईएनएक्स मीडिया हेराफेरी मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई बुधवार को होगी। इस बीच सीबीआई की टीम पी चिदंबर के घर पर पहुंच गई। देर रात जब वह घर पर नहीं मिले तो सीबीआई ने उनके घर पर नोटिस चस्पा दिया। ईडी और सीबीआई की टीम इस मामले में पहले ही चिदंबरम की हिरासत की मांग कर रही है। उनके घर पहुंची सीबीआई की टीम को चिदंबरम नहीं मिले। टीम ने घर पर मौजूद लोगों से पूछा कि चिदंबरम कहाँ गए हैं। इस पर जवाब मिला कि वह घर पर नहीं लौटे हैं। इसके बाद सीबीआई टीम वापस लौट गई। हालांकि जाते जाते उन्होंने पी चिदंबरम के घर पर एक नोटिस चिपका दिया, जिसमें उन्हें 2 घंटे के अंदर पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, मानसून अपडेट यानी कि मौसम समाचार के रूप में। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, इस राज्य में है भारी बारिश का हाई अलर्ट, आने वाले दिनों में यहां होगी बारिश। तो दोस्तों जाने मौसम समाचार, उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। और अगर आप लाइक या डिसलाइक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिन बारिश बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के सेंट्रल पार्ट में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। दिल्ली और चंडीगढ़ में भी अगले 24 घंटे में भारी बारिश बनी रहेगी, हालांकि बारिश कुछ हल्की पड़ेगी। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर बने एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते ओडिशा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगा से लगे हुए इलाकों में अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने की तैयारी में है सरकार, कानून में होंगे अहम बदलाव। जी हां दोस्तों, इंडिविजुअल से लेकर कंपनियों तक को इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिल सकती है। डायरेक्ट टैक्स कोड पर सरकार की ओर से बनाई गई समिति ने टैक्स ब्रैकेट्स में बड़ी रियायतों का सुझाव दिया है, जिसका असर 45 से 55 लाख रुपए कमाने वाले मिडिल और अपर क्लास को हो सकता है। इसके अलावा भी कंपनियों के लिए बड़ी रियायत का सुझाव है, जिसमें कॉरपोरेट टैक्स की दर को घरेलू और विदेशी दोनों ही कंपनियों के लिए घटाकर 25% तक लाने का सुझाव है। अभी विदेशी कंपनियों को 40% तक टैक्स भरना पड़ता है, यानी कि दोस्तों टैक्स जो है वो 40% से घटकर 25% तक हो सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर। जल्द बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, 1 अक्टूबर से लागू होगा नया रूल। जी हाँ दोस्तों, कोई भी गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी रखना भी कानूनी तौर से जरूरी है, लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का रंग रूप बदलने जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का फॉर्मेट अलग अलग होता है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि लाइसेंस कौन सा है और आरसी कौन सी है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के प्रारूप अलग होने से भी उनमें रूल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल आने वाले समय में बदल जाएगा। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। नया नियम इस साल 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।
अब डीएल और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोनों एक जैसे ही होंगे, यानी अब हर राज्य में डीएल और आरसी का रंग समान रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, दो दिन गिरावट के बाद पेट्रोल फिर स्थिर, डीजल चौथे दिन भी कमजोर। जी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में चल रही गिरावट का असर घरेलू बाजार में साफ तौर पर देखा जा सकता है। लगातार दो दिन गिरावट के बाद दिल्ली में पेट्रोल का रेट फिर स्थिर रहा, वहीं डीजल की कीमत लगातार चौथे दिन भी नीचे आई है। दोस्तों बात करें आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, तो दोस्तों दिल्ली में आज एक लीटर पेट्रोल की कीमत 71.84 रुपए प्रति लीटर रही, जबकि डीजल की कीमत 65.11 रुपए प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सोना रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर, चांदी हुई 1100 रुपए सस्ती। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सोने की कीमतों में तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई तेजी के चलते मंगलवार को दिल्ली के सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 200 रुपए बढ़ गया। हालांकि दोस्तों दूसरी ओर चांदी की कीमत 1100 रुपए की गिरावट के बाद 41,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड गिज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने जन्म कौन सी जगह पर लिया था तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप बन जाते हैं लकी विनर, तो आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट, जिसके अंदर की मोबाइल फोन, इंटरनेट, टूल, गैजेट्स वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की काम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।